सो गाइज, आप लोग ने कभी ना कभी अरवाना फिश अपने फिश हॉबी में जरूर पाली होगी, और जिन्होंने नहीं पाली है आई होप उनको एक ख्वाहिश रहेगी कि मैं एक बार अरवाना भी पालूं। सो आज का वीडियो हम अरवाना के ऊपर ही बनाने वाले हैं। सो मेरा नाम है अमान और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल आसमान एडवेंचर। सो अभी आप जो अरवाना देख रहे हो ये सिल्वर अरवाना है जो मेरे फ्रेंड की है। उन्होंने ये 8 to 9 इंचेस की कुछ लाया था और अभी तकरीबन 13 इंचेस की ये हो चुकी है। हालांकि टैंक छोटा है और वो बहुत जल्द उसे अपग्रेड करने वाले हैं। सो छोटे टैंक में रखने का मेन मकसद ये है कि उन्हें अच्छी डील मिली थी, काफ़ी हेल्दी फिश थी और जो पैलेट ट्रेन थी, काफ़ी सारी अरवानास को खाली लाइव फीड करना पड़ता है बट ये पैलेट ट्रेन थी जिस वजह से उन्होंने एक छोटा एक्वेरियम लेके एटलीस्ट फिश ले लिया था सो दैट वो बाद में अच्छे से अपग्रेड कर सके। सो मैं आपको बता देता हूँ कि ये वीडियो बनाने का मेन रीज़न क्या है। अरवाना के बारे में भी अपडेट तो मैं देना ही चाह रहा हूँ आपको। अभी आप साथ ही साथ देख लीजिए जो उनका टैंक मेट है ये बाइचर है, एंडली चेरी है, जो स्ट्रेन एंडली चेरी है और ये भी अप्रॉक्स 10-11 इंचेस का है फिलहाल। सो अभी मैं आपको बता देता हूँ मेन रीज़न ये वीडियो बनाने का क्या है और जो बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है अरवाना के साथ साथ दूसरे फिशेज में भी आपको देखने मिलेगी। अभी आप इसकी आँख देखिए, आप आई बॉल के पास देखिए, वाइट वाइट आपको नज़र आ रहा होगा जैसे कि वो कहीं घस गया हो, बट वो घसा नहीं है, उसे एक ये डिजीज़ हो गया है जिसे क्लाउडी आई कहते हैं और इसका होने का सिर्फ और सिर्फ रीज़न यही है कि आपका वाटर क्वालिटी, अगर आप भले ही उसे रेगुलर बेसिस पे चेंज भी कर रहे हो या अल्टरनेट डेज कर रहे हो, वीकली कर रहे हो, अगर अनईटन फूड आपके एक्वेरियम में रह जाता है तो काफ़ी चांसेस है कि आपके फिशेस को वो वाटर का क्वालिटी ख़राब होने की वजह से क्लाउडी आई का प्रॉब्लम हो सकता है। सो फिलहाल इस फिश को यही प्रॉब्लम हुआ है जिसके लिए मैंने उन्हें सोल्यूशन भी बताया है। इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है, आपको रॉक सॉल्ट ऐड कर देना है। जैसे अभी ये 2 फीट का एक्वेरियम है, 2 फीट के एक्वेरियम में वो मतलब जैसे एक हैंडफुल ऑफ रॉक सॉल्ट भी ऐड करते हैं 2 से 3 दिन वो फॉलो करेंगे ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। सो अगर आपके पास अरवाना के बदले कोई और फिश है तो आप उसको भी सेम ट्रीटमेंट देके ट्रीट कर सकते हो। सो अभी आप इस फिश की ब्यूटी देखिए गाइस, अरवाना मतलब नेक्स्ट लेवल है, बहुत डिफरेंट है इसका पूरा लुक्स, एवरीथिंग, बिहेवियर, सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। सो ये फिश पालने का शौक मुझे भी बहुत है और मैंने पास्ट में अरवाना पाला भी है, बट ऐसा है कि इसको अगर बड़े टैंक में रखो तो ज़्यादा बेटर है। आई होप आपको इसका बेसिक्स तो पता होगा कि ये अमेजॉन रिवर में पाई जाती है और ज़्यादा करके जो इसका फूड पैटर्न है ये लाइव फीड पे ही ज़्यादा करके सर्वाइव करती है। अमेजॉन में भी ये लाइव फिशेस या तो फिर इंसेक्ट्स वगैरह जो ट्रीज पे बैठे होते हैं उन्हें जंप करके पकड़ती है। एंड अरवानास में डिफरेंट वैरायटीज़ भी आती है जो एशियन अरवानास में काउंट होता है, वो आपको गोल्डन अरवानास, रेड अरवाना, ये सारी एशियन अरवानास में काउंट होती है। सो अभी जिसकी हम बात कर रहे हैं ये साउथ अमेरिकन है। अब अगर हमें इसे रखना है तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत बड़ा टैंक हो तो ही हम रख सकते हैं, बट एटलीस्ट 3 फीट का भी टैंक आपके पास रहेगा तो आप इसे रखिए। 3 फीट के टैंक में आप इजीली इसको 20 या 22 इंचेस का कर सकते हो अगर आप उसे अच्छे से केयर करके अच्छे से फीड करते हो तो। बट एक बेस्ट साइज़ जो अरवाना टैंक के लिए होगा वो एक 5 फीट टैंक ही होगा मेरे हिसाब से। तो जैसे आपको पता है सिल्वर अरवाना का ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है और अगर आप उसे अच्छे से केयर करोगे तो वो काफ़ी हेल्दी दिखती है। और इसके जो टैंकमेट्स हैं, टैंकमेट्स भी आप काफ़ी सारे जो एग्रेसिव फिशेस हैं वो भी रख सकते हो। हालांकि ये पीसफुल फिशेस के साथ भी रहती है, कई लोग इसे गोल्ड फिश के साथ भी रखते हैं, बट एक चीज़ है वो जो भी आप फिश इसके साथ रख रहे हो उसका साइज़ ऐसा होना चाहिए कि वो इसके मुंह में ना जाए। एंड सेकेंड थिंग, आप अपनी अरवाना को भूखा नहीं रख सकते हो वरना आपके पास जो भी फिश उसके साथ रहेगी वो उसे अटैक ज़रूर करेगी। सो आप इसको प्लीज़ भूखा मत रखना और जहाँ तक कि हो सके आप इसके साथ थोड़े मॉन्स्टर फिशेस या फिर एग्रेसिव फिश रखने की ही कोशिश कीजिए। डिस्कस के साथ भी लोगों ने रखा है, अपना गोल्डफिश के साथ भी लोगों ने रखा है, बहुत अच्छे से रह रही है उनके साथ भी, बट स्टिल अगर आपने फीडिंग में थोड़ा भी आगे पीछे किया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और जो भी लोग ऐसा रखते हैं इसे कोई पीसफुल फिश के साथ, उनका एक्वेरियम थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है जिस वजह से वो बहुत फ्रीक्वेंट अटैक नहीं कर पाती उन पर। बस आपको यही अपडेट देना चाह रहा था, एक बेसिक सा अपडेट मैंने दिया है अरवाना के बारे में और मैं चाह रहा था कि कोई डिफरेंट फिश भी मैं मेरे YouTube चैनल के ऊपर आपको प्रेजेंट करूं, बस यही रीज़न था। और ये जो क्लाउडी आई है इसको किस तरीके से क्योर कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बहुत बेसिक टर्म्स में समझा दिया है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज एंड हैप्पी फिश कीपिंग।